लोग करेंगे फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम और होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी नंबर्स के बारे में था किया था, और काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी हम लोग कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, जिसमें कुछ न्यूमरेटर हो, ठीक है ना। समझ लीजिए कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे हर को हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें कुछ अंश हो, कुछ हर हो, ठीक है ना, और वो इस तरह से अपॉन के फॉर्मेट में लिखा हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब भिन्न भी आपके कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के मतलब कि आपको पहचानना होगा, जब इसके टाइप्स हम लोग जान लेंगे तो जो भी इससे रिलेटेड हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, सवाल लगाएंगे, प्रश्न हल करेंगे, तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है आपका उचित भिन्न, और दूसरा आपका होता है अनुचित भिन्न, अनुचित। हर में भी भिन्न हो,
वाला फॉर्मेट क्या मिश्र कहलाएगा, मिश्रित नहीं कहलाएगा। दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने एकदम क्लियर कर दिया कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है वितर्क उत्तर। आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता रही है, थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा। इसको हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, आप लोगों की मतलब लेवल से थोड़ा सा अप है, लेकिन फिर भी जब फ्रैक्शन पढ़ी है ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन बनने के लिए 1/2 कहीं लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मल 1/2 एक फ्रैक्शन होगा, होगा ना। अब इसमें 2 + 1/3 + 2/5 + 1/2 इस तरीके का फ्रैक्शन बना दिया है। ठीक है, मतलब ये न्यूमरेटर है पूरे भिन्न का, इसका डिनोमिनेटर 2 हुआ। अब इसमें एक और नया फ्रैक्शन जोड़ा गया है, इसमें न्यूमरेटर 1 है, ये 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए 1 लिया है। अब और 3 किया, ठीक है, अब फिर यही खत्म हो जाना चाहिए ना भिन्न को, या यही खत्म हो गया होता तो नॉर्मल भिन्न होता, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, वितर्क मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यूड आगे की तरफ अग्रसरित है, आगे की तरफ प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में है, तो इसलिए इसको बोला जाता है वितर्क भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हल करने का क्या तरीका होता है बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये जान गए कि वितर्क भिन्न क्या होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे व्युत्क्रम न्यूमरेटर, समझिएगा एकदम साफ साफ लिख के दिखा रहे हैं।
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर कितना रह जाएगा, इतना 3 का 3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 + 9 7 9, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप लोग बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर कैसे होगा, डिनोमिनेटर छोटा है, ये तो इम्प्रॉपर हुआ ना। इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जाता है, इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है वो भी देखें। मिक्स्ड को हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल दिया, तरीका क्या हुआ, इस होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इसमें जो न्यूमरेटर है उसको जोड़ देना है और अपॉन डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर भी रहेगा, 2 × 3 + 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका हो गया 3। तो मिक्स्ड को ये आपका इम्प्रॉपर में बदल दिया गया, ठीक है। मिक्स्ड को किस में बदल दिया गया, इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इसी तरीके का मान लीजिए मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप। अगर इन दो
या तो आप किसी एक ही संख्या से दोनों में भाग दे दीजिए या फिर दोनों का फ्रैक्शन कर लीजिए और जो कॉमन चीजें हैं दोनों में जो है उनको कट आउट कर लीजिए, जो बचे उसका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप होगा। ठीक है, अब इस तरीके एक चीज और देखेंगे, भिन्नों की तुलना, तो आप